प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल हत्याकांड के मामले में आरोपी असद और अन्य को पनाह देने के मामले में यूपीएसटीएफ की टीम ने नेपाल से कयूम अंसारी नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपीएसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड में शूटरों को नेपाल में पनाह देने वाले को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद की यूपी से नेपाल भागने में मदद की थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने व्यवसायी कयूम अंसारी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ भी जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल पहुंचे असद और मोहम्मद गुलाम को कयूम ने ही गाड़ी और रुकने का ठिकाना मुहैया कराया था, उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा है। कई मामलों में एसटीएफ की टीमें उससे पहले भी पूछताछ कर चुकी हैं। सूत्रों का ये दावा है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम कुछ दिनों तक कयूम अंसारी के पास रुके थे और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए थे। इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24।